हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे चैनल ड्रीम इलेवन प्लेइंग इलेवन में। और आज आप हम बात करने वाले हैं जो पर मैच होगा न्यूजीलैंड वर्सेज पाकिस्तान के बीच में सेकंड ओडीआई का मुकाबला। इसकी हम बात करेंगे, देखेंगे क्या प्लेइंग इलेवन हो सकती है और क्या आपके लिए बेस्ट ड्रीम इलेवन की टीम यहाँ पर हम बना सकते हैं, क्या कुछ न्यूज़ है, क्या चेंजेस हो सकते हैं वो सब यहाँ पर डिस्कस करेंगे, पिच कंडीशन क्या है वो सब भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा हमारा कॉन्टेस्ट 10 भी आज लाइव है, तो यहाँ पर बीच वीडियो में आपको क्वेश्चन मिलेगा कॉन्टेस्ट 10 का। आप उसका अगर सही जवाब देते हो तो फिर आप हमारे लकी विनर बन सकते हो और आपको यहाँ पर कुछ प्राइज़ दिया जाएगा, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा प्रीव्यू देख लेते हैं। तो अगर बात करें न्यूजीलैंड पाकिस्तान की, तो पहला जो ओडीआई था वो आप देख सकते हो न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छे से विन किया। बैटिंग की बात करें चाहे बॉलिंग की बात करें, दोनों में ही यहां पर डोमिनेट किया है न्यूजीलैंड की टीम ने। हालांकि पाकिस्तान की टीम की बात करें तो इनकी मिडिल ऑर्डर में ठीक ठाक बैटिंग करी और इनकी बॉलिंग भी ठीक थी, बाकी ओवरऑल यहां पर न्यूजीलैंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। अगर आप देखें ओडीआई मैचेस में सिर्फ अगर आप देखें तो न्यूजीलैंड की टीम थोड़ा सा डोमिनेट हमेशा करती है पाकिस्तान को, यानी कि न्यूजीलैंड की टीम थोड़ी सी ज्यादा फेमस है और थोड़ी सी बेटर है ओडीआई फॉर्मेट में, खास करके पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं। तो यही बोलूंगा, आप ऐसा ना करें कि न्यूजीलैंड की टीम के ज्यादा प्लेयर लें या फिर पाकिस्तान की टीम के, एक आप बैलेंस टीम बनाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यही बोलूंगा, आप कोशिश करना इन मैचेस में ऑलराउंडर्स को अपनी टीम में रखना, यानी कि जो डबल करेक्टर अदा करते हैं, यानी कि मान लीजिए बॉलिंग भी करते हैं बैटिंग भी करते हैं, तो वो प्लेयर आपके लिए अच्छे होंगे। बिकॉज यहां पर आप देखो सडन कोलैप्स भी बैटिंग का हुआ है और बॉलिंग तो अच्छी दोनों ही टीमों ने करी थी, बट थोड़ा सा यहां पर बैटिंग में ही प्रॉब्लम आ गई पाकिस्तान की शुरुआत में, जिसके चलते यहां पर इनको ये मैच हारना पड़ा। हालांकि इनके मिडिल ऑर्डर ने अच्छा खासा फाइट किया, पर तब भी यहां पर आप देखते हो न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी थी जिसकी वजह से यहां पर को हारना पड़ा। तो गाइज यहां पर बात करेंगे सबसे पहले पिच कंडीशन की, उसके बाद प्लेइंग 11, फिर ड्रीम 11 की टीम, और कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन आपको बीच में मिल जाएगा, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो गाइज अगर हम पिच की बात करें तो पिच वही है, सेम पिच है, यानी कि जहां पर लास्ट मैच हुआ था फर्स्ट ओडे का जो मैच हुआ था उसी पिच पर फिर से ये मैच होगा। और यहां पर स्कोर वगैरह मैंने आपको बताया थे कि मैक्सिमम 313 के आसपास जाता है और जो जनरली स्कोर देखा गया वो 250-260 के बीच में देखा गया है, और आपने देखा 260 के आसपास यहां पर टोटल बना था। तो जो रिकॉर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वही आपको बताते हैं कि इस पिच पर कितना स्कोर हो सकता है और उसके हिसाब से फिर आप टीम बना लेते हो। यहां पर बात करें अच्छे कुछ बैट्समैन की, तो वो भी यहां पर आप देख सकते हो जो मैं आपको पहले वीडियो में बताए थे। ये सब रिकॉर्ड्स मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, तो आप उसकी टेंशन मत लेना, आप एक बार खुद रिव्यू कर लेना और देख लेना आपको कौन से प्लेयर सूट करते हैं। और जो प्लेयर्स ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दिया है वो मैंने आपसे लास्ट मैच में डिस्कस किया था, जैसे जुनैद खान हो गए, यहाँ पर हसन अली हो गए, शोएब मलिक हो गए, तो इन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। हालांकि लास्ट मैच थोड़ा सा अलग ही डायरेक्शन में गया है, बट पिच सेम है, तो एक्सपेक्टेड है कि इस मैच में आपको वो रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर रिकॉर्ड्स की, रिकॉर्ड्स मैं टेलीग्राम के चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, तो आपको टेलीग्राम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से और नीचे मैं लिंक दूंगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपको यहां पर अपडेट्स वगैरह वहां पर मिल जाते हैं। तो गाइज उसको आप ज्वाइन कर लो। अगर आप टेलीग्राम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो और आप लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहे हो तो आप हमें सर्च भी कर सकते हो, चैनल सेक्शन में जाकर ड्रीम 11 प्लेइंग 11 ऑफिशियल आप डालोगे तो यहां पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, ड्रीम 11 प्लेइंग 11 ऑफिशियल, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहां पर प्लेइंग 11 की, क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसके बाद बात करेंगे ड्रीम 11 की टीम की। तो गाइज एक्सपेक्टेड है ज़्यादा चेंजेस टीम में नहीं होंगे, मुश्किल से एक आध या दो चेंजेस होंगे। पाकिस्तान की टीम में भी एक आध चेंज होगा और न्यूजीलैंड की टीम में मुझे लगता है शायद एक आध चेंज कर सकते हैं। पाकिस्तान की टीम की बात की तो फ़खर जमन टेक्निकली अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, आप देख रहे हो उनको कुछ 3-4 मैचेस से ये फ्लॉप ही जा रहे हैं और थोड़ा सा इनको इंजरी कंसर्न भी था शायद, उसके चलते इनको कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो अच्छा अपना जो गेम है, जो फर्स्ट क्लास गेम खेलते हैं, वो ये नहीं खेल पा रहे। तो फ़खर जमन यहाँ पर मेरे हिसाब से लेने लायक प्लेयर फिलहाल तो नहीं, अभी के फॉर्म को देखें, और इंजरी कंसर्न भी इसलिए मैं बोल रहा हूँ बिकॉज इंजरी से अभी निकल के आए हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो फॉर्म पे इफेक्ट पड़ा है। तो फ़खर जमन को हो सकता है या तो हरीश सोहेल या आसिफ अली से रिप्लेस कर दें, या फिर हो सकता है एक आध मौका टीम और दे दे, बट इनको लेना थोड़ा सा रिस्की ही रहेगा। तो मैं आपको बोलूंगा इस मौलिक की टीम में आप इनको अवॉइड ही करो तो बेटर रहेगा। इमाम मुलक बहुत अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं, आप देख रहे हो सारे बैट्समैन आउट हो गए बट तब भी इन्होंने फाइट किया, तो इनको आप चाहो तो टीम में ले सकते हो। बाबर आजम आपको मस्ट पिक होंगे बिकॉज ये गेम चेंजर हैं और आप जानते हो मेन बैट्समैन हैं यहाँ पर पाकिस्तान की टीम के, और लास्ट मैच में ये भी जल्दी आउट हो गए। मोहम्मद हफीज़ की बात करें तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, इसके अलावा बैटिंग भी अच्छी करते हैं, लास्ट मैच में ये भी जीरो पे आउट हो गए, तो इंपॉर्टेंट तो ये भी है। शोएब मलिक की बात करें तो एक मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है और इनकी बैटिंग तो लगभग कन्फर्म ही रहती है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस एवरेज सा परफॉर्मेंस आपको हर मैच में करके देते हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है। सरफराज अहमद की बात करें तो बहुत शानदार फॉर्म से गुजर रहे हैं, इसी मैच की बात नहीं करें, लास्ट मैच तो अच्छा खेला ही खेला, उसके पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा है, तो सरफराज अहमद भी आप चाहो तो टीम में ले सकते हो। टॉम लेथम और सरफराज अहमद में से आपको किसी एक को लेना पड़ेगा, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। शादाब खान की बात करें तो बॉलर्स में सबसे पहले बैटिंग करने आते हैं और इसके अलावा बॉलिंग तो बहुत शानदार कर रहे हैं, तो ये आपके लिए मस्ट पिक होंगे। और इमाद वसीम, ये दो प्लेयर तो मस्ट पिक हैं बिकॉज ये दोनों अगर किसी भी कंडीशन में अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है या फिर कुछ भी होता है तो ये दोनों प्लेयर्स की बैटिंग तो लगभग
कन्फर्म ही रहती है ओडीआई फॉर्मेट में और ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस हमेशा ही देते हैं। हसन अली को भी यहाँ पर बैटिंग में थोड़ा सा ऊपर भेजा जा रहा है, फिर शाहिन अफरीदी और फिर जुनैद खान। जुनैद खान इस पिच पर 4 विकेट ले चुके हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था, और लास्ट मैच में हालांकि उतना कोई खास परफॉर्मेंस इन्होंने नहीं दिया, बट एक्सपेक्टेड इस मैच में अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज शाहिन अफरीदी हो गए, जुनैद खान हो गए, दोनों ही अच्छे फास्ट बॉलर हैं। और ये देख रहे हो आप, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है शाहिन अफरीदी, और जुनैद खान की बात करें तो लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर ये है, तो दोनों ही फास्ट बॉलर हैं। यहाँ पर शाहिन अफरीदी को लास्ट मैच सफलता मिली, तो हो सकता है जुनैद खान और हसन अली को इस मैच में सफलता मिल जाए, बिकॉज यहाँ पर फास्ट बॉलिंग को बहुत हेल्प मिल रही है। हालांकि यहाँ पर शदाब खान जो कि लेग ब्रेकर है उनको भी यहाँ पर अच्छी खासी सफलताएं मिली थी। तो ये तो कोई पाकिस्तान की बात, एक चेंज हो सकता है, फखर जमन की जगह पर आसिफ अली हरीश सोहेल को ला सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर देखो इंजरी से अभी भी निकले, तो फॉर्म थोड़ा खराब चल रहा है, पाकिस्तान इस मैच को हार गई है और इस मैच को किसी भी हालत में विन करना चाहेगी, तो फखर जमन के चांसेस थोड़े से कम है। न्यूजीलैंड की टीम की बात करें तो यहाँ पर फिर से जॉर्ज वर्कर ओपन करेंगे मुनरो के साथ, लास्ट में वर्कर जल्दी आउट हो गए, बट अच्छे प्लेयर है, केन विलियमसन उसके बाद आएंगे, फिर रॉस टेलर आएंगे। आप देख सकते हो लास्ट में जो कॉलिन मुनरो विलियमसन थोड़े से जल्दी आउट हो गए, जिसके चलते रॉस टेलर को मौका मिल गया अच्छी खासी बैटिंग करने का। हालांकि ये फॉर्म में भी चल रहे हैं तो इनको आप टीम में रख सकते हो। कॉलिन मुनरो की बात करें तो ये ओपन भी कर सकते हैं, बिकॉज वर्कर ने लास्ट मैच में यहाँ पर दो बार मैंने कॉलिन मुनरो लिख दिया है, तो गाइस यहाँ पे टॉम लेता आएंगे, ठीक है, यहाँ पर मैंने दो बार लिख दिया था, तो वर्कर मुनरो ओपन करेंगे, फर्स्ट डाउन विलियमसन है, विलियमसन ओपन भी कर सकते हैं मैं आपको बता दूँ, बिकॉज वर्कर का फॉर्म उतना कोई खास नहीं था, तो विलियमसन चाहे तो मुनरो के साथ ओपन कर सकते हैं। और फिर रॉस टेलर है, लेथम है, उसके बाद हेनरी निकलस जल्दी आउट हो गए लास्ट मैच में, थोड़े से एक्सपीरियंस की इनमें कमी है, तो बीजे वॉटलिंग को ला सकते हैं, अच्छे खासे विकेट कीपर है और बैट्समैन है, हालांकि विकेट कीपिंग टॉम लेथम ही करेंगे। फिर कॉलिन डी ग्रैंड जो कि राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है, टिम साउदी की बात करें तो सबसे अच्छी इकोनॉमी निकली थी लास्ट मैच में, और यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट से भी अच्छी इकोनॉमी इनकी थी, तो बॉलिंग तो बहुत शानदार करी बट विकेट एक ही निकाल पाए, बोल्ट ने यहाँ पर लगभग 3 विकेट के आसपास निकाले थे और अच्छी बॉलिंग भी इन्होंने करी थी, तो ये दो प्लेयर तो बहुत इंपॉर्टेंट। टिम साउदी बैटिंग में भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, लास्ट मैच में रन भी लगाए थे। फिर इस शोधी है, फिर लॉकी फर्गसन, ट्रेंट बोल्ट है, तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है, आपको टिम साउदी को लेना है, ट्रेंट बोल्ट को लेना है। रीसेंट फॉर्म देखो तो ट्रेंट बोल्ट बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, टिम साउदी भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बट विकेट टेकिंग बॉलिंग नहीं कर रहे, हालांकि ये बैटिंग में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये सब आपको देखना पड़ता है कि कौन सा वो बॉलर है जो बैटिंग भी कर लेता है, तो थोड़े आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिला सकता है। तो यहां पर बस एक चेंज हो सकता है, हेनरी निकलस की जगह पे बीजे वॉटलिंग की टीम में एंट्री हो सकती है, और फखर जमन की जगह पे मुझे लगभग कंफर्म ही लग रहा है कि आसिफ अली या हरीश सोहेल आ सकते हैं, तो ग्रैंड लीग में उनको आप ट्राई कर सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से सेम प्लेइंग 11 रहने वाली है, और बाकी मैंने बॉलर्स के बारे में आपको लिख दिया, जो फास्ट बॉलर है या फिर मीडियम फास्ट बॉलर लेग ब्रेकर है, तो वो सब आपको यहां पर देखने को मिल गया है। तो गाइज अब शुरू करते हैं यहां पर हमारा मेन वीडियो, यानी कि ड्रीम 11 की क्या टीम हो सकती है, बट उससे पहले बात करेंगे कॉन्टेस्ट क्वेश्चन की। तो कॉन्टेस्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, आपको यहां पर जवाब देना है, क्या हैशटैग यूज करना है वो मैं आपको बता दूंगा, और क्या आंसर हो सकता है वो आपको मुझे प्रिंट करके बताना है। तो ध्यान से सुनिएगा आज का क्वेश्चन। तो गाइस आज का हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दोनों ही विकेट कीपर यानी कि टॉम लेथम और सरफराज अहमद, ये दोनों मिलके आज कितना रन बनाएंगे, यानी कि टोटल कितने रन ये बनाएंगे। मान लीजिए सरफराज अहमद आज के मैच में 50 रन बनाते हैं और टॉम लेथम आज के मैच में 60 रन बनाते हैं, तो आपको टोटल मुझे बताना है 110 रन, यानी कि जितना आपको लगता है आप यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हो। आपको लगाना है #dream11playing11, उसके बाद स्पेस देके आपको अपने डायरेक्टली रन लिख देने हैं। तो एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, आपको बताना है आज टॉम लेथम और सरफराज अहमद, ये दोनों ही जो विकेट कीपर हैं अपनी अपनी टीमों के, ये दोनों मिलके आज कितने रन्स बनाएंगे। अगर आपका प्रेडिक्शन सही होता है तो आप में से किन्हीं दो प्लेयर्स को 25 रुपीज़ का यहाँ पर कैश बोनस दिया जाएगा, वो मैं पेटीएम के थ्रू दे दूंगा, या फिर जो भी आपको मींस हो, जो भी आप जहाँ से लेना चाहो आप ले सकते हो। और मिनिमम दो लोगों को यहाँ पर 25 रुपीज़ का कैश बोनस मिलेगा, यानी कि डायरेक्टली आपको पेटीएम कैश दे दिया जाएगा, ये आपको दिया जाएगा अगर आप सही प्रेडिक्शन करोगे। अगर आप सही प्रेडिक्शन आप में से कोई भी नहीं करेगा, तो जो क्लोज बाय होगा, जो नियर बाय होगा, यानी कि जिसका थोड़ा सा आसपास होगा, उसको यहाँ पर हम विनिंग दे देंगे, यानी कि विनिंग तो आपको मिलनी है। आप प्रेडिक्शन ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना, कमेंट करने में आपको कुछ भी नहीं जाता है, एक दो सेकंड लगेंगे, बट अगर आप विनर बनते हो तो आपको यहाँ पर वीडियो में भी दिखाया जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर आपको पेमेंट भी की जाएगी, तो उसके प्रूफ वगैरह हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं। तो आपको बताना है टॉम लेथम और सरफराज अहमद, ये दोनों मिलकर कितना स्कोर करेंगे, हैशटैग लगाइए ड्रीम 11 प्लेइंग 11, और उसके बाद स्पेस देके आप लिख सकते हो अपना आंसर। और इसका फॉर्मेट यानी कि हैशटैग कैसे लगाना है वो आपको सबसे ऊपर वाले कमेंट में दिख जाएगा, तो वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो भाई ये तो बात हो गई प्लेइंग 11 की, अब बात करते हैं ड्रीम 11 की टीम की, और देखते हैं आप क्या बेस्ट टीम यहां पर हम बना सकते हैं। तो गाइस बात करें अगर हम यहाँ पर टीम की, तो अभी तक जो मुझे मैंने एनालाइज किया है उसके हिसाब से मेरे हिसाब से ये टीम आपके लिए बहुत सेफ है, और थोड़ी और सेफ टीम मैं आपको बता दूंगा कैसे आप बना सकते हो, कुछ ऑप्शंस एक्स्ट्रा दूंगा स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के, तो ध्यान से वीडियो को अभी लास्ट तक देखते रहना। यहाँ पर सबसे पहले आप टीम का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बात करेंगे स्मॉल लीग ग्रैंड लीग के ऑप्शंस भी देख लेंगे। टीम को एडिट करके देखते हैं, यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, टॉम लेथम और सरफराज अहमद, दोनों ही बहुत शानदार फॉर्म में है। टॉम लेथम भी अच्छा खेल रहे हैं, सरफराज अहमद भी अच्छा खेल रहे हैं, लगभग दोनों ही मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं, तो इनमें से आप किसी को भी ले सकते हो। और बीजे वॉटलिंग को ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हो, थोड़े बहुत चांसेस इनके भी खेलने के हैं, बट चांसेस कम है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन दूंगा आप टॉम लेथम या सरफराज अहमद में से किसी एक को ले लो। बैटिंग में बात करें तो बैटिंग में यहाँ पर केन विलियमसन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, लास्ट मैच में थोड़े से जल्दी आउट हो गए, बट आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम के। फिर रॉस टेलर भी इंपॉर्टेंट है, कॉलिन मुनरो, ये तीन प्लेयर यहाँ पर
लगभग बैकबोन है न्यूजीलैंड की, इनमें से कोई भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। इसके अलावा टॉम लैथम भी हमने टीम में ले लिए, तो लगभग आप कह सकते हो पूरी बैटिंग जो लाइनअप है न्यूजीलैंड की वो हमने यहाँ पर टीम में रख ली है जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते थे। पाकिस्तान की टीम से बात करें तो बाबर आजम को टीम में रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लास्ट में जल्दी आउट हो गए। फ़खर जमन का आपको बता चुका हूँ थोड़ा सा इशू चल रहा है और फिटनेस की वजह से ही यहाँ पर आप देख रहे हो इनका परफॉर्मेंस भी गिरा है, इसलिए इनको हम टीम में नहीं रख रहे। इमाम मलिक, शोएब मलिक, इनमें से आप किसी एक को चाहो तो ले सकते हो। इमाम मलिक अच्छा फाइट किए लास्ट मैच में और इनका ओडीआई में अच्छा खासा फॉर्म चलता ही है और फॉर्म में है, इसलिए आप देख रहे हो अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हालांकि एक्सपीरियंस की थोड़ी सी कमी है बट फॉर्म के चलते यहाँ पर हर मैच में लगभग अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहता है। बाकी जॉर्ज वर्कर को आप चाहो तो टीम में ले सकते हो। आसिफ अली और हरी सोहेल, इनके चांसेस बन सकते हैं अगर फ़खर जमन को टीम रेस्ट देना चाहे। मेरे हिसाब से रेस्ट देना चाहिए बिकॉज परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन चल रहा है और टीम को इस मैच को किसी भी हालत में विन करना है। आसिफ अली अच्छे खासे फॉर्म में मुझे दिख रहे थे तो या तो टीम इनको ले आए या फिर हरी सोहेल जो कि एक अच्छे हिटर है इनको टीम में लाया जा सकता है। तो ये यहां पर कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन तो ये चार ही आपके लिए बनते हैं। बात करें ऑलराउंडर सेक्शन में तो हाफिज इक्वली इंपॉर्टेंट है इमाद वसीम और कॉलिन डी ग्रैंडहोम, ये दो तो आपको सबसे पहले टीम में रख लेने। हाफिज की बात करें तो बैटिंग में अच्छा करते हैं इस पिच पे, खास करके इनका एवरेज 42 के आसपास का है, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था और जो मैं रिकॉर्ड्स आपको दूंगा उसमें आप देख सकते हो। हालांकि जल्दी आउट हो गए लास्ट मैच में, मेरे हिसाब से इस मैच में कुछ बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर मोहम्मद हफीज, और इसके अलावा यहाँ पर बॉलिंग में भी टीम चाहे तो इनसे कॉन्ट्रीब्यूट करवा सकती है। तो ये तीन आपके लिए बेस्ट प्लेयर होंगे, इसमें से भी आप दो तो इमाद वसीम और कॉलिन डी ग्रैंडहोम को मत छोड़ना, बैटिंग बॉलिंग दोनों बेहतरीन शानदार कर रहे हैं। यहाँ पर बात करें बॉलिंग ऑप्शन की तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिस्की रहेगा बिकॉज यहाँ पर आप जो कम से कम छः अच्छे बॉलर हैं उन छः अच्छे बॉलर में से आपको तीन लगभग पिक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट तो मैं ले रहा हूँ, शदाब खान दोनों ही बहुत शानदार बॉलिंग कर रहे हैं और शदाब खान तो बैटिंग में भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं तो थोड़ा सा अपर हैंड रहने वाला है। ये दो प्लेयर्स तो आपको लेने टीम में, आप चाहो तो टिम साउदी को भी ले सकते हो। साउदी यहाँ पर बैटिंग में भी कॉन्ट्रीब्यूट अच्छा खासा कर रहे हैं और यहाँ पर बॉलिंग भी सबसे बेहतरीन कर रहे हैं। ये तीन प्लेयर आप चाहो तो ले सकते हो। बाकी मैं यहाँ से ले रहा हूँ शाहीन अफरीदी जो कि एक अच्छे यंगस्टर हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छा खासा इन्होंने परफॉर्मेंस दिया तो लगातार टीम के लिए परफॉर्मेंस दे रहे हैं, इसलिए मैं इनको ले रहा हूँ, कंसिस्टेंट है। यहाँ पर और अच्छे प्लस की बात करें जुनैद खान, लॉकी फर्गसन है, जुनैद खान जो कि 4 विकेट इस पिच पर पहले ले चुके हैं, इनका भी अच्छा रिकॉर्ड चलता है, 2 का एवरेज चलता है, लास्ट मैच में सिर्फ 1 विकेट निकाला, इस मैच में 2 से 3 विकेट तक निकाल सकते हैं। तो ये कुछ आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है तो इसमें से आप देख लीजिएगा। हसन अली भी थोड़ा सा पहले बैटिंग करने आते हैं और अच्छे बॉलर माने जाते हैं, शोधी T20 फॉर्मेट के अच्छे बॉलर माने जाते हैं, तो बॉलर्स यहाँ पर बहुत अच्छे बड़े पड़े हैं, कम से कम 6 से 7 अच्छे बॉलर हैं, तो इसमें थोड़ा सा आपको रिस्क रहेगा हमेशा ही। तो यहाँ पर ये तीन बॉलर अभी फॉर्म के हिसाब से देखें और जो इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से देखते हो ये तीन सबसे फिट बैठते हैं और स्मॉल लीग की हर टीम में लगभग आपको यही मेरे हिसाब से बॉलर्स देखने वाले हैं। तो आप भी सेम लीजिए, बाकी ग्रैंड लीग में आप थोड़ा बहुत ट्राई करते जाइए अलग अलग बॉलर्स के कॉम्बिनेशन को। कैप्टन शदाब खान को बना रहे जो कि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आते हैं, इमाद वसीम से भी पहले बैटिंग करने शदाब खान आते हैं, अगर अच्छा खेल लेते हैं तो आपके लिए अच्छे कैप्टन साबित हो सकते हैं। ये आपको बस अच्छी बैटिंग कर लेते हैं इसलिए इनको थोड़ा सा पहले भेजा जाता है, लास्ट मैच में 6-7 रन पर आउट हो गए बट मेरे हिसाब से इस मैच में कुछ 15-20 रन तो आराम से लगा सकते हैं और बॉलिंग तो आप देख ही रहे हो अच्छी कर रहे हैं, मिडिल ओवर कर रहे हैं, विकेट निकाल रहे हैं, तो शदाब खान आपके लिए मेरे हिसाब से अच्छे कैप्टन थोड़े सेफर ऑप्शन हो सकते हैं। वाइस कैप्टन कॉलिन मुंडो को रखा है, मैंने मुंडो को इसलिए रखा है बिकॉज आप जानते हो बॉलिंग में तो कॉन्ट्रीब्यूट फिलहाल नहीं कर रहे बट कर सकते हैं। बाकी मुंडो अच्छे खासे फॉर्म में मेरे हिसाब से देख रहे थे, थोड़ा तेज खेल रहे थे और जल्दी आउट हो गए इसलिए थोड़ी से मेरे हिसाब से इस बार थोड़ा स्लो खेलेंगे बाकी अच्छे खासे रन लगा सकते हैं। विलियमसन भी यहाँ पर थोड़े जल्दी आउट हो गए, बाकी मुंडो का आप देख रहे हो स्ट्राइक रेट हमेशा ही अच्छा रहता है तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस बन सकते हैं। कैप्टन की बात करें शदाब खान एक अच्छे ऑलराउंडर, इनको मैंने रखा है। इसके अलावा भी बहुत ऑप्शन है, लास्ट मैच में यहाँ पर टॉम लैथम भी अच्छा परफॉर्म कर गए, रॉस टेलर भी अच्छा परफॉर्म कर गए, विलियमसन मुंडो नहीं कर पाए बट ये भी आपको पता है अच्छे प्लेयर है। बाबर आजम जो जल्दी आउट हो गए, इनका फॉर्म भी बहुत अच्छा चल रहा था बट लास्ट मैच में फ्लॉप हो गए, तो प्लेयर्स तो बहुत अच्छे हैं, आपको अपने हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा आप स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में किसको रखना चाहते हो। मैं तो यहां पर शदाब खान के साथ कैप्टन, वाइस कैप्टन कॉलिन मुंडो के साथ जा रहा हूं। तो गाइस यहां पर सेव करते हैं टीम को, एक बार आपको फिर से प्रीव्यू दिखा देता हूं। स्मॉल लीग के ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर सारे लगभग अच्छे प्लेयर हैं, सब ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है पास्ट में और रीसेंट मैचेस में, तो उनको आप अपने हिसाब से चूज कर लो। कैप्टन में शदाब खान को इसलिए बना रहा हूं बिकॉज मिडिल ऑर्डर बैटिंग करने भी आते हैं, अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं और बॉलिंग जबरदस्त करा रहा है, इसलिए कैप्टन मेरे शदाब खान रहेंगे और वाइस कैप्टन मुंडो को बना रहा हूं। आप चाहो तो ट्रेंट बोल्ट को ट्राई करो, यहां पर इमाद वसीम है, मोहम्मद हफीज, अच्छे अच्छे ऑलराउंडर्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो गाइस अब वीडियो को यहाँ पर करते खत्म, कॉन्टेस्ट के बारे में मत भूलना, कमेंट जरूर कर देना, हैशटैग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं लगाओगे तो एंट्री वैलिड नहीं होगी। हैशटैग ड्रीम 11 प्लेइंग 11 है और उसके बाद आपको स्पेस देकर अपना आंसर लिख देना है कि टॉम लैथम और सरफराज अहमद दोनों मिलकर आज कितने रन बनाने वाले हैं। तो गाइस फिलहाल कितना, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को आगे शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके गाइस बाय।